हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक केजी गोट फार्म यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज मुर्गियों पे एक वीडियो लेके आया हूँ कि 25 मुर्गियों से 10,000 रुपये महीने का कैसे कमाएं, तो उस पर मैं आपको जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके, और चैनल और वीडियो बनाऊं आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग देखें और फ़ायदा उठाएं। फ्रेंड्स, क्या किस गांव में या शहर में जिसके पास थोड़ी बहुत जगह है वहां पे अपना घर खर्चा चलाने के लिए, थोड़ा साइड से इनकम करने के लिए देसी मुर्गियां सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी मुर्गियाँ रखनी है ताकि उससे आप अंडे बेच के और आप थोड़ी अर्निंग कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि आपको अच्छी सी जगह चाहिए, थोड़ी जगह मिलेगी या आपके पास खेती है तो बहुत ही अच्छा है, उसमें आपको दाना भी नहीं डालना पड़ेगा, बगैर दाने के भी आप काम निकाल सकते हैं, हाँ फ्री में आप अर्निंग कर सकते हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मुर्गियों के लिए अच्छा सा एक शेड बना लें, छोटा शेड बना लें, जो मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार से आप शेड बनाएं। मैंने भी एक बनाया छोटा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पहले से शेड है, लेकिन एक नया और बनाया जो मैं आपको उसका दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको बनाना है ताकि उसमें मुर्गी अंडा दे सकें और सर्दियों में उसमें रह सकें। फ्रेंड्स, मैंने ये शेड बनाया अभी मुर्गियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में अंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और अच्छी खासी इनकम भी होती है, और मेरा वैसे भी फार्म है, जगह बहुत है, स्पेस मेरे पास बहुत बड़ा है, तो उसमें मुर्गियां ऐसे ही दाना वाना खा के कुछ कहीं से भी कुछ अपना पेट गुजारा कर लेती हैं, दाना ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है और अंडों से अच्छा प्रॉफिट होता है। तो मैंने ये शेड बनाया है, आप लोग थोड़ा चेक करके अच्छा देखो। सर्दियों के बचाव के लिए मैंने तिरपाल लगा दिया है और अभी इसके अंदर थोड़े बॉक्स बना दूंगा ताकि सर्दियों में मुर्गी आराम से बैठ सके और अंडे दे सके और सर्दी भी नहीं लगे जानवर को। हाँ, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 7 फीट ऐसा है और 7 फीट लंबा है, 5 फीट चौड़ा है और 7 फीट हाइट पे है। लेकिन आपको ज़्यादा मुर्गी रखनी है तो थोड़ा आप बड़ा भी बना सकते हो, अच्छा शेड बनाएं ताकि सर्दी में उसका बचाव हो, किसी बिल्ली से कुत्ते से भी आपकी मुर्गियाँ बची रहे, और दिन में आप बाहर रख सकते हो। दाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर खेत में आपका घर है तो आपको ऐसे भी फ़ायदा हो। 25 मुर्गियाँ आप रखोगे तो अंडे देने वाली मुर्गियों का चुनाव करें। तो अंडे देने वाली नस्लें जो अभी हाइब्रिड नस्ल मिलती है वो आप लेके आएँ घर में, वो लगभग साल में 275 से 300 तक अंडे देती हैं, तो वो नस्लों का आप चयन करें। और 25 मुर्गी रखोगे तो आप लगभग दिन 15 मुर्गी भी अंडा देगी तो आप एक अंडा अगर 20 रुपये का बेचोगे तो आपका 300 रुपये आराम से पर डे इनकम हो जाएगा, तो महीने का 9-10 हज़ार रुपये आराम से हो जाता है। तो आपको एक साइड से अच्छा प्रॉफिट होने लग जाएगा और आपको फ़ायदा भी होगा। हाँ, तो मुर्गियाँ आपको अच्छी से रखनी है, नस्ल की रखनी है जो ज़्यादा अंडे देती हो, और जगह आपका जगह का चुनाव होना ज़रूरी है। जगह होगी तभी आपको मुर्गियाँ आप रख सकते हो। खेत ऐसे साइड में थोड़ी बहुत भी जगह है तो उसमें आपको अच्छा फ़ायदा है, आप रखो। सर्दी में अंडे की डिमांड बहुत रहती है और ऐसे भी अंडों की डिमांड रहती है, आपको बहुत फ़ायदा होगा उसमें। मेरे पास भी थोड़ी बहुत मुर्गियां हैं, अभी और लेके आऊँगा तो आपको उनका वीडियो डालूँगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँच सकें। ठीक, मुर्गियाँ अच्छी लेके आओ आप, मुर्गियों में बहुत फ़ायदा है, साइड से इनकम हो जाएगी, अंडे देंगी, घर में भी काम आएंगे, खाना आप अंडों से खाना बना सकते हो घर में सब कुछ भी, और बाहर बेच भी सकते हो, तो आपको उससे प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।